बच्चे मुझे बहुत खुशी हुई रे, आज तेरा 77th बर्थडे है ना, आज हम पार्टी मनाएंगे, हम पिएंगे नाचेंगे। गंगा मैया में जब तक के पानी रे, मेरे सेंसा तेरी जिंदगानी रे। पर सदी के महानायक बॉलीवुड के शहंशाह बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन जी का आज बर्थडे है और हम उन्हीं के घर के बाहर मौजूद है, हमारे साथ कई सारे फैंस हैं, तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो बिग बी के बर्थडे के दिन कितने एक्साइटेड है। हमारे साथ बच्चन साहब जैसे दिखने वाले ही बच्चन के फैन है, तो आइए जानते हैं उनसे कि कितने एक्साइटेड है ये। कहाँ से आ रहे हो सर आप? नहीं सर, गुजरात से आ रहा हूँ, कच्छ से आ रहा हूँ। अगर आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। बड़े फैन हो आप अमिताभ जी के? दुनिया का सबसे बड़ा फैन मैं अमिताभ बच्चन का, वो दाया के साथ कह सकता हूँ कि मुझसे बड़ा फैन अमिताभ बच्चन का शायद इस दुनिया में नहीं, क्योंकि मेरे दिन रात सुबह शाम एक ही बात है, बच्चन 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 बच्चन। मेरा दिल दिमाग आत्मा मरी रोम रोम में अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन। 12 साल से मैं यहाँ आता हूँ, हर साल अमिताभ बच्चन के आशीर्वाद मिलते हैं, उनका दीदार होता है, उनका दर्शन होता है। ये साल भी यही चाहूँगा कि उनके दर्शन हो, उनका दीदार हो, उनका आशीर्वाद मिले मुझे। बच्चन स्टाइल में एक दो अगर डायलॉग हो जाए तो क्या? बस मैं कलाकार तो नहीं हूँ, सीधे बोल देता हूँ। हम जहाँ खड़े रहते हैं वहाँ से लाइन शुरू होती है आप, क्योंकि वो तो बड़े कलाकार हैं, इनको भगवान है, मैं तो उनका भक्त हूँ, कोई कलाकार नहीं हूँ, मैं दिल से उनसे भगवान मानता हूँ। और मेरे लिए चारों धाम जनक जलसा है, बस साल में इसी दिन का मुझे इंतजार रहता है और इसी दिन मैं मनाता हूँ, बाकी कोई त्यौहार नहीं मनाता हूँ। बच्चन साहब बच्चन साहब बच्चन साहब। बच्चन साहब से कभी मिले हो आप? मैं 12 बार मिला हूँ, 15 वक्त मिला हूँ, गुजरात में 2 बार मिला हूँ, और 10 साल से मैं बढ़िया पे आता हूँ, 10 साल लिए हुए, और 2 बार मैं करोड़पति में जाके आया हूँ। मुझे बच्चन साहब अच्छी तरह से जानते हैं, मेरा नाम लेके बुनाते हैं। मैं अपने आप को बहुत भी भाग्यशाली समझता हूँ कि दुनिया मुझे इस नाम से जुड़ा हुआ है, अमिताभ बच्चन के नाम से मेरा नाम जुड़ा हुआ है, बस इसके लिए मैं। जाते जाते बच्चन साहब के लिए क्या विश करना चाहोगे उनके बर्थडे पर? इसके दुआएं, आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सेंसा तेरी जिंदगानी रहे, बस अमिताभ बच्चन को हजारों साल जियो, बस यही हमारे दिल की तमन्ना है, हमारा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं है। मैं हैदराबाद से हूं और मैं हर साल आता हूं एंड उनके गाना गाता हूं मैं एक करोके के साथ, अगर चाहे तो एक लाइन सुना सकता हूं। हाँ जी, विद बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। मच गया शोर सारी नंग रही रे, सारी नंग रही रे, आया बेरज का बाका संभाल तेरी कंग रही रे, आया बेरज का बाका संभाल तेरी कंग रही रे। एंड अगर अगर यहाँ पर अगर अमिताभ बच्चन जी को विश करने के लिए अगर ओम प्रकाश आते तो किस तरह विश करते? अरे बेटा मुझे बहुत खुशी हुई अमित, तुम जियो हजारों साल बेटे। अगर धर्म जी किस तरह विश करते? अमित अरे चे मुझे बहुत खुशी हुई रे, आज तेरा 77th बर्थडे है ना, आज हम पार्टी मनाएंगे, हम पिएंगे नाचेंगे। सनी डियोल किस तरह विश करते? अमित जी पापा कह रहे थे और मुझे भी याद है आज आपका बर्थडे है, जन्मदिन मुबारक हो। शाहरुख खान जी किस तरह? अमित जी आपका बर्थडे है और आपने मैंने बुलाया फिर भी हम आ गए। अमरीश पुरी, बेटा अमित अरे बेटे जन्मदिन मुबारक हो। संजय, हे अमित जी हे अब्दुल समझा दे अमित जी का बर्थडे, हाँ हे सर्किट को भी बुला लेना। अपनी आवाज में अगर अमित जी को विश करना होगा तो जाते जाते क्या कहोगे? मैं अगर मैं अपना आवाज निकालूंगा तो अमिताभ बच्चन की आवाज ही निकला। बाय अमित जी, अगर अमिताभ बच्चन खुद अमिताभ बच्चन को किस तरह विश करते? बाय अमिताभ बच्चन जी, बाय, बहुत बहुत खुशी हुआ है बड़े। अगर अमिताभ बच्चन खुद अपने आप को विश करे, मैं बता रहा हूँ कि आपका जन्मदिन है, मुझे बहुत खुशी हुआ ऐसा। अगर मैं विश करता तो मेरी भी वॉइस वैसे ही है। और दूसरे एक्टर जैसा केशटी मुखर्जी, अरे राजेश खन्ना, अरे अमित जी मुझे बहुत खुशी हुई रे, आज तेरा 77th बर्थडे है ना। शत्रुघ्न सिन्हा, अमित क्या दोस्ताना था अपना। शक्ति कपूर, आओ
अमित जी, मुझे बहुत खुशी हुई, आज आपका जन्मदिन है। आओ ललिता, मुझे बहुत खुशी हुई। गुलशनगढ़, अमित जी मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका जन्मदिन है। थैंक यू। सुनील हरिवंश राय हरी, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं हर साल बच्चन साहब से मिल के जाता हूँ और इस बार भी पूरा मुझे विश्वास है कि मुझे बुलाएंगे, क्योंकि मुझे खुद बुलाते हैं। इसके लिए मैं आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है उतना दूर से आने में। तो मैं चाहता हूँ उनके लिए कुछ शायरी बोलना चाहता हूँ। फूलों सा फूल देखा मगर गुलाब जैसा नहीं, फूलों सा फूल देखा मगर गुलाब जैसा नहीं, एक्टर तो बहुत देखे मगर बच्चन साहब जैसा नहीं। तो उनके लिए मैं एक बर्थडे का गाना गाना चाहता हूँ। मिल के बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तो जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बेबी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चन साहब, और एक बार आपसे मिलने की तमन्ना है हमारे, और मुझे पूरा विश्वास है आप किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं, किसी का दिल नाराज नहीं करते हैं, आप सबसे मिलते हैं, और मुझे पूरा पूरा विश्वास है ये साल भी आप सबसे मिलने वाले हैं। डॉन को पकड़ना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। अरे दीवानो इन्हें पहचानो, कहाँ से आए मैं हूँ डॉन, दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। मैं राजस्थान से आ रहा हूँ, बरखेड़ी एक गांव है, वहाँ से प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आ रहा हूँ। प्रतिवर्ष आता हूँ बच्चन साहब का जन्मदिन मनाने के लिए। अभी हम राजस्थान से 5 जने आए हैं और उनका आशीर्वाद लेने आए हैं, उनको बधाई देने के लिए आए हैं। उनको अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, उसकी भी शुभकामना देने के लिए आए हैं। जन्मदिन तो है ही है, और जन्मदिन पे हम उनके लिए दुआ करते हैं, भगवान उनको 102 नॉट आउट करें और भगवान उनको खूब स्वस्थ रखे, मस्त रखे, व्यस्त रखे। और उनके लिए मैंने कोई 2 शब्द लाइनें लिखी है, वो बोलना चाहता हूँ मैं। संस्कृति संस्कार के सौरभ हो, भारत देश का गौरव हो, सरकार आप हो बड़े महान, बड़े ही आपने देश की शान, इसीलिए आपको मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। हम जन्मदिन की शुभकामनाएं करो स्वीकार, इसीलिए तो सारा जमाना बिग बी का है दीवाना। आपके हाथ में कुछ है, दिख रहा है, आपके हाथ में दिख रहा है, कैमरा में अगर दिखा सकते हो तो क्या है? ये इनके ऊपर मैंने लिखा है, जन्मदिन के ऊपर जो मैंने अभी बोला है, ये इनके ऊपर लिखा है, संस्कृति संस्कार के स्वरूप जो मैंने अभी लाइनें बोली है इनके ऊपर मैंने लिखा है। और प्रतिवर्ष अलग अलग कुछ इतने कुछ लिख के लाता हूँ मैं। इनके ऊपर अमिताभ चालीसा भी लिखा था, चंद के पीसी छंद भी लिखा था। और प्रतिवर्ष बच्चन साहब बड़े स्नेह से प्रशंसकों से मिलते हैं, उनकी भावनाएं समझते हैं, इसीलिए वो महान हैं, हम सबके दिलों में राज करते हैं, करोड़ों दिलों के शहंशाह हैं वो, हमारी सरकार हैं वो, और वो हमारी भावनाओं को समझ के हमें दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं, और वो सबकी भावनाएँ समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल एंड आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान। We 5 people are representing the whole Rajasthan. In fact, the whole people, the whole population of 5 crore people want to meet Amitabh Bachchan personally. He's a nice tree that he invites us, he meets us. So we wish him the best. First thing, very good morning to you, Mr. Amitabh Bachchan. We wish him a very happy birthday. I met Mr. Amitabh Bachchan and this is his photo. So I'd like to dedicate a song for him from the film Dawn. Are diwano, mujhe pehchano, कहाँ से आया मैं हूँ डॉन। या सो वी थ्री आर बिग फैन, वी कम फ्रॉम 2013 एंड वी मेट बिग बी सेवरल टाइम्स ऑन द सेट ऑफ KBC। आई वुड लाइक टू विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड जस्ट टेल हिम तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। हाय हाय हाय, हम यही कहना चाहेंगे, तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मिस्टर बच्चन, यू आर एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। ये आपके हाथ में जो रस्सी दिख रही है, क्या मामला है, ये क्या बता? ये हम दीवार का गेटअप, हम 3 साल पहले आए थे दीवार के गेटअप में, तब से ये रस्सी हमारे ऑफिस है ना, इसलिए हम फॉर्मल में। हाँ बिल्कुल, आप क्या कहना चाहोगे?
Wish Mr. Bachchan a very happy birthday. May you live another 70 years so that my grandsons and granddaughters can also stand here and take a glimpse of you. Wish you all the best. Thank you. Dialogue agar ho jaye to kya hota hai? Dialogue. बड़े फैन हो तो डायलॉग आज खुश तो बहुत होगे तुम आज खुश तो बहुत होंगे हम सब हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है भाई नज़ीर एक मुस्कुराहट थैंक यू हम मुंबई से ही हैं मुलुंड में रहते हैं हम लोग और अमिताभ साहब के एकदम पक्के फैन हैं हर साल हम लोग आते हैं हमको मिलते भी हैं आज भी उम्मीद करके आए हैं कि सर मिलेंगे ये हमको कम से कम 25 साल से ज़्यादा हुआ हमारा एक क्लब भी है छोटा सा उनमें अमिताभ फैन क्लब के नाम से हम करते हैं रंगोलियाँ बनाते हैं स्कूल में बच्चों लोग को सिखाते हैं आर्ट का हमारा विषय वही है आर्ट अभी प्रेजेंट तो मैं यही करने वाला हूँ जो स्वस्थ और मस्त योगा से एकदम फिटनेस भी मिले पूरी दुनिया को भी सीख मिले और अमित जी जो उनके चाहक है मतलब इस चीज़ के तो हमने मतलब ये बनाया था बहुत साल पहले मगर अभी मैं बोला इनको गिफ्ट में भी यही दूँ सब रंगोली है सब बनाई है ना पेंटिंग्स है रंगोली है सब हम लोग दिवाली में बनाते हैं तो सर को ये गिफ्ट देने वाला हूँ इनको ये करना चाहता हूँ कि ये आगे बढ़ते रहे उनकी सेहत अच्छी रहे और सर का नाम यूं ही बढ़ते रहे आगे पूरे विश्व में उनकी जो आवाज़ है वो बढ़ती रहे भारत का नाम रोशन होता रहे और हमारे जैसे उनके पीछे पीछे उनके नक्शे कदम पर चलते रहें वो आज भी काम करते हैं हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम भी इन्हें डट के मुकाबला करें और काम करते रहे और वही एनर्जी हमारे में भी आए तो उनके मिलने से हमको ना हमारी अंदर से एक ताकत बढ़ जाती है और हम में काम करने की यदि स्फूर्ति आ जाती है कि बात मत पूछो आज मैं लातूर से आया हूँ स्पेशली काम पूरा करके पेंटिंग का काम है मेरा आर्ट वर्क बना के मैं बोला आज तो कैसे भी करके इधर पहुंचना ही है तो मैं आ गया हूँ अभी हरी इच्छा मिल जाएंगे तो बहुत उम्मीद है थैंक यू